हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के समय में हिंदुस्तान में एजुकेशन के नाम पे हो रहा है बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा तो स्कूल जा रहा है, अब तो डिग्री लेके ही वापस लौटेगा। 96%, 97%, 98.5% इसके नीचे मार्क्स आया तो ये तो गाली के बराबर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आज हिंदुस्तान में हर साल 1,000 में से 35 से भी ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी के मारे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लालची माँ बाप हैं जिन्हें ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मार्क्स चाहिए और इसी मार्क्स के लालच में वो अपने बच्चों को रेस में डाल देते हैं। और बात सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका मतलब वो गरीब है, उसके एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कोई अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसकी IQ नहीं भी है तब भी वो सोसाइटी में ज़्यादा भाव पाता है। दोस्तों, बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े या फिर सरकारी स्कूल में, रेस में तो उसे भागना है ही। बचपन से ही बच्चे के दिल में एक डर डाल दिया जाता है कि अगर तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए या फिर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। और इसी डर को अपने दिल में लेके वो बच्चा ना चाहते हुए भी वो सब्जेक्ट को पढ़ने लगता है जो शायद उसे पसंद भी नहीं होता। जैसे एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता, वैसे ही एक बच्चा सब सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। कि आपको पता है इंसान के दिमाग का विकास 15 साल की उम्र तक हो जाता है और अमूमन एक बच्चा करीबन 14 साल की उम्र में ही 10th का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है और फिर शुरू होता है असली रेस। ज़्यादातर माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम चुनते हैं, कोई भी बच्चा से नहीं पूछता कि उन्हें क्या पसंद है या फिर वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे ने ये किया है, इसलिए हमारा बेटा भी ऐसा ही करेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शर्मा जी के बेटे को साइंस पसंद है और हो सकता है आपके बेटे या बेटी को कॉमर्स या और कोई फील्ड पसंद हो। लेकिन नहीं भाई, हम सब तो दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन दे के ही चलेंगे, चाहे हमारा बच्चा सुइसाइड ही क्यों ना कर ले। दोस्तों, आज इंडिया में हर साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही आत्महत्या कर रहे हैं और इसका कारण है डिप्रेशन, स्ट्रेस। जैसे ही बच्चा 10वीं या 12वीं पास कर लेता है तो ही उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उसे ऐसे सब्जेक्ट या फील्ड में डालने की कोशिश करने लगते हैं जो शायद उसे पसंद भी नहीं है। माँ बाप अपना घर बार जमीन तक गिरवी रखने को तैयार हो जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि XYZ के बेटे ने डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो फिर मेरा बेटा भी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। बच्चे को शुरू से ही पता होता है ये सब उसकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने लगता है अपने माँ बाप की खुशी के खातिर। उन्होंने जो घर गिरवी रख के पैसे लिए हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसे वापस करने के लिए, क्योंकि अगर वो फेल हो जाएगा तो वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे ही पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगता है वो बच्चा समझ जाता है कि वो अपने माँ बाप का घर, ज़मीन, जायदाद वो खुशी नहीं दे सकता जो वो लोग उससे चाहते हैं। और फिर एक दिन वो बच्चा अपने आप को ख़त्म करने का डिसीशन ले लेता है। उसे लगता है अगर वो ही नहीं रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहूँगा, अपने बच्चे के अंदर के टैलेंट को पहचानो, उसे रेस का घोड़ा मत बनाओ, क्योंकि हर एक बच्चा खास होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का निशान बना हुआ आ रहा है उसे भी दबाना मत भूलना। इससे हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।